हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज का विचार लेते हैं और आज का जो विचार है वो हमें भेजा है प्रशांत सिंधे जी ने। और प्रशांत जी लिखते हैं, राहु चंद्र युति कुंडली में हो तो कितने साल तक परेशानी होती है। और इस क्वेश्चन के लिए प्रशांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने विचार रखते रहें ताकि हम उसके ऊपर वीडियोस बनाते रहें। और जैसा आपने पूछा है, राहु चंद्र की युति कुंडली में अगर बने तो इसका असर, यानी इसके लिए जो भी हमें परेशानी देखनी पड़ती है इसके कारण, उसका असर कब तक रहता है। देखिए, राहु चंद्र की अगर युति होती है तो इसका जो असर है, सबसे ज़्यादा जो असर है वो 42 की एज तक रहता है। लेकिन कभी भी राहु की अगर दशा चलती है तब भी आप इसका असर देख सकते हैं। और कभी भी मून की अगर दशा चलती है और मून और राहु अगर बहुत ही क्लोज हैं, यानी इनकी जो डिग्री है बहुत ही क्लोज है, तब भी आप इसका असर देख सकते हैं। और राहु अगर मून के साथ बैठता है तो मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे इंसान को दौड़ाता है। राहु की जब दशा चलती है तो दिमाग के अंदर अजीब अजीब ख्याल आते हैं और उसके चक्कर में कई बार इंसान बहुत ज़्यादा दौड़ता है, स्ट्रगल करता है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो वैसा नहीं मिलता है। और मन की जो स्थिति है वो कई बार बिगड़ जाती है, मन अंदर से बड़ा अशांत हो जाता है और चीज़ों को पाने की कोशिश करता है इंसान, और उसके चक्कर में कई बार कुछ उल्टा सीधा भी करता है कि जैसे कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो उसको पाने के लिए आपने कुछ दो नंबर का तरीका अप्लाई कर दिया। तो ये सारी चीज़ें कई बार देखने में आती हैं। लेकिन इसका जो ज़्यादा असर है वो 42 की एज तक रहता है। उसके बाद धीरे धीरे करके राहु का जो असर है वो थोड़ा सा कम होता है और राहु यहाँ पर मैच्योर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि राहु और चंद्र की अगर युति आपके बर्थ चार्ट में बनती है तो मेटलिस्टिक चीज़ों का गेन तो करवाती है, लेकिन उसके लिए इंसान को काफ़ी दौड़ना पड़ता है। और इसके लिए आपको उस पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी देखना है जहाँ पर ये युति बन रही है। अगर उस पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद आपको चीज़ें मिल पाती हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर ख़राब है तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद भी आपको चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। और अगर शनि और केतु भी अगर इनके साथ होते हैं, यानी शनि अगर इसके साथ है, शनि की दृष्टि अगर इसके ऊपर पड़ रही है और केतु की दृष्टि तो इसके ऊपर नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर राहु साथ में है तो केतु इसके अपोजिट में होगा, तो केतु तो हो नहीं सकता है। लेकिन राहु की दृष्टि अगर चंद्र के ऊपर हो या केतु की दृष्टि अगर चंद्र के ऊपर हो, तब भी ऐसी चीजें देखने में आती हैं कि इंसान को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जिस हाउस में इनकी प्लेसमेंट बनती है उस हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है, उसकी दशा कब चलती है, कैसे चलती है, चलेगी कि नहीं चलेगी या कितने दिनों के बाद चलेगी, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट राहु और चंद्र की जो युति है वो इंसान को थोड़ा सा अंदर से परेशान रखती है, इंसान मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे दौड़ता है और मन जो है वो थोड़ा सा अशांत रहता है। तो इसके लिए आप ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं, लॉर्ड शिवा के ऊपर डेली आप मीठा कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं। अगर डेली टाइम ना मिले तो मंडे वाले दिन आप मीठा कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं और ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं ताकि उससे आपको जो मन है वो थोड़ा सा शांत रहे। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया राहु और चंद्र की युति के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।